कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज ये संजय राउत बोलता है या उसके नुमाइंदे या उसके चमचे बोलते हैं कि भैया बॉम्बे में आओ, हम तुम्हें देखेंगे, तेरी इतनी फटरी है तू बॉम्बे से बाहर जाके देख। बॉम्बे घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। वो तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का अपमान किया कंगना ने। महाराष्ट्र का अपमान नहीं किया, संजय राउत का अपमान किया है, वो अपने ऊपर ले रहा है। शिवसेना का अपमान किया है, इसने पालघर के अंदर साधुओं की निर्मम हत्या करा दी, उसके अंदर कोई जांच नहीं। आज 6 महीने के बाद 2 से 4 सिपाही तुम लोग सस्पेंड करके कहते हो कि भैया हमने पालघर का बदला ले लिया या हमने पालघर में अपना काम कर दिया। क्या कर दिया, क्या उखाड़ लिया? आज कंगना रनौत जब उसको खुलेआम धमकी दे रही है, इतना तो कोई डॉन भी धमकी नहीं देता जितना ये संजय राउत धमकी देता है। और ये हिंदुओं के पीछे क्यों पड़ता है? ये एक कपटी नेता है जो हिंदुओं के हित की बात करके शासन में आया, एक धर्म की बात करके कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, उनके एवज के ऊपर जनता ने वोट दिया। और इस बंदे ने हिंदू धर्म, हिंदू जो भी नेता आता है, अगर कोई उल्टा सीधा होता है तो उसी को एकदम कहने का मतलब है हिंदू तो ऐसे इतने बुरे लगते हैं। मैं कहता हूँ हमें शिवसेना बुरी लगती है। अगर तुम सच्चे हिंदू के हितेशी होते तो राजपूत की हत्या हुई उसके पक्ष में खड़े होते, उसके पक्ष में खड़े होते, कंगना रनौत के पक्ष में खड़े होते कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो लगातार संजय राउत है वो कंगना रनौत पर कटाक्ष कर रहे हैं। कंगना रनौत को वायु सरेणी की सुरक्षा दे दी गई है। और अभी अभी कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि जो बीएमसी के अधिकारी है कंगना रनौत के ऑफिस जा रहे हैं और उनके स्टाफ को तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कंगना रनौत मुंबई आएगी तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ शिवसेना से मौजूद है, सबसे पहला सवाल इन्हीं से करते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार संजय राउत कंगना रनौत को टारगेट कर रहे हैं कि जो उन्होंने मुंबई का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। संजय राउत जो शिवसेना के हैं सांसद, उन्होंने कंगना राउत का विरोध नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि जिस बम्बई से आपको मुकाम मिला है, जिस बम्बई से आपको रोजी रोटी मिली है, पहचान मिला है, उस बम्बई की अवहेलना अगर आपको करना, अगर वो बम्बई आपको पाप पोक जैसा दिख रहा है तो उस बम्बई में ऐसे आदमी की रहने की ज़रूरत नहीं है। आज सुशांत सिंह कौन सा इतना कि बिहार का चुनाव नहीं होता तो सुशांत सिंह का कहीं कोई नाम नहीं आता। ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद न कोई सीबीआई न कोई इंडियन एजेंट ब्यूरो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। खाली बिहार का चुनाव है, इसीलिए सबको बिहार का चुनाव नज़र आ रहा है। सुशांत सिंह जैसे कितने लोग मरे और डेली मर रहे हैं, तब कंगना रनौत कहाँ थी, तब और लोग कहाँ थे। अच्छा, इनका कहना है कि बिहार का चुनाव आ रहा है इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। सवाल है, जो कंगना रनौत बोली है वो बहुत दिलेरी से बोली है, बहुत अच्छी, हर नारी को इस तरह से खुल के बोलना चाहिए। अच्छा, आज भी बीएमसी के अधिकारी कंगना रनौत के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, स्टाफ को तंग करते हैं और कहते हैं कि अगर कंगना रनौत यहां पर आएगी तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुली बात करता हूँ राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की तरफ से कि अगर संजय राउत जी की हिम्मत हो तो दिल्ली में कदम रख के दिखाएं। ये उनका खुला चैलेंज है राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का कि अगर आप एक महिला को धमकी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में नहीं आ सकती तो आप भी दिल्ली के अंदर कदम नहीं रख सकते। और बात रही सुशांत की मौत की, तो सुशांत की हत्या की गई है जिसमें वहाँ पूरा खान गैंग फिल्म इंडस्ट्री का, आपके ड्रग्स माफिया, ठीक है, प्लस शिवसेना के नेता, ठीक है, यहाँ तक कि शिवसेना के जो आदित्य ठाकरे हैं उन तक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तभी शिवसेना डरी हुई है कहीं उनकी गद्दी ना चली जाए, सरकार ना चली जाए, इसलिए मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि हत्या तो पहले भी होती थी, अभी इतना बवंडर क्यों मचा रहे हो सुशांत को लेकर? बिहार चुनाव आ रहा है इसलिए आप लोग बवंडर मचा रहे हैं। क्या अभी बिहार चुनाव ना होता, क्या नहीं होता? ये आज किसी ने आवाज उठा दी तो इसका ये मतलब नहीं कि आप देर से क्यों बोल रहे हैं। आवाज तो किसी ने उठाई, एक दिलेर महिला अगर आवाज उठा रही है तो उसका साथ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि आप उसको अशब्द यूज करें, एक महिला के लिए गलत बात बोलें। उसने कोई भी बात ऐसी गलत नहीं कही कंगना रनौत जी ने, और आप उनको खुलेआम धमकी दे रहे हैं, उनके ऑफिस जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप वहीं तक सीमित हैं जहां तक आपके लोग हैं, ठीक है, और कंगना रनौत के साथ राष्ट्रीय हिंदू सेना पूरी है और अंत तक रहेगी, और हम उनको सुरक्षा देंगे। वो दिल्ली आए, महाराष्ट्र में रहे, हमारी टीम महाराष्ट्र में भी उनको सुरक्षा देगी कि कोई भी शिवसेना का कंगना रनौत के ऑफिस तक ना पहुँचे।
अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपने देखा होगा जिस समय सुशांत केस की सीबीआई की मांग हो रही थी तो संजय राउत ने तब भी विरोध किया था, आखिर संजय राउत बचाना किसे चाह रहे हैं? संजय राउत ने सीबीआई का मैं तो विरोध नहीं किया, सीबीआई की जांच के लिए उद्धव साहब ने भी कहा था। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है। ये बताइए, अगर आप मुंबई पुलिस पर अगर आप शक करेंगे, शक नहीं होना चाहिए, मुंबई पुलिस जो कर रही थी उसको करने देता, सीबीआई ने भी, तो सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला। सीबीआई जांच कर रही है, 17-18 दिन हो गया करीब करीब, सीबीआई को क्या मिला? कुछ हाथ लगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स एंगल के नाम, बड़े बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, पहले सोवी गिरफ्तार होता है, फिर रिया की भी गिरफ्तारी संभव है, तो हो सकता है कि रिया बड़े बड़े नाम खोलने वाली है। ड्रग्स देखिए, वहाँ भाई पैसों का भरमार है, फिल्म इंडस्ट्री में पैसों की कमी नहीं है, ड्रग्स आज से नहीं, बहुत सालों से वहाँ ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, ये तो बंद होना चाहिए। इसका तो हम लोग भी विरोध करते हैं कि ड्रग्स माफिया, ड्रग्स का कारोबार, सट्टे का कारोबार बंद होगा तो पाकिस्तान में जो इन्हीं हम ही लोगों का पैसा, इसी सट्टेबाजों का पैसा, ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान में जाता है, आतंकवादियों पर लगता है, तो ही आतंकवादी आकर के हमारे हिंदुस्तान में घुस करके हमारे हिंदुओं को, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, साधु महात्माओं को मारते हैं। ये हमारा पैसा, हमारा ही पैसा, हमारे लोगों पर ही हमला होता है आतंकवादियों के रूप में, ये बंद होना चाहिए, बहुत पहले बंद होना चाहिए। क्या चाहते हैं, सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना? न्याय मिलना चाहिए, अगर उसका मर्डर हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का तो बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मर्डर हुआ है तो उनके परिवार के भी तो लोग 14 तारीख तक साथ में थे, परिवार की उनकी बहन का नाम मुझे नहीं मालूम है, क्या नीतू सिंह 13 तारीख तक साथ थी, 12 तक साथ में थी, अगर उनको कोई दिक्कत था, कोई परेशानी था, या जो लोग आए उनके 4 रसोइये हैं जो हैं, या भाई ये क्या नाम है इसका, सब जो ये है रिया गलत है, रिया अगर गलत है तो उसकी फांसी हो जाए, हम लोग खुल के जश्न मनाएंगे। अगर रिया गलत है, लगातार संजय राउत कंगना रनौत को टारगेट कर रहे हैं, अभी अभी कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनके ऑफिस पहुंच गए हैं और वहां पर जो स्टाफ है उसको तंग कर रहे हैं। देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, पब्लिक जो नेता चुनती है तो नेता का काम होता है पब्लिक जो भी उसके क्षेत्र में आए, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, या बॉम्बे की हो, या यूपी की हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज ये संजय राउत बोलता है या उसके नुमाइंदे या उसके चमचे बोलते हैं कि भैया बॉम्बे में आओ, हम तुम्हें देखेंगे, तेरी इतनी फट रही है तू बॉम्बे से बाहर जाके देख, बॉम्बे घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, बाहर जाके क्यों नहीं देखता? अगर तुझे कंगना रनौत से दुश्मनी निकालनी है, मैं तो उसको आदमी भी नहीं बोलूँगा, पब्लिक ने उससे अपना नुमाइंदा बनाया, कंगना रनौत उसके क्षेत्र में रहने वाली एक महिला है। वो तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का अपमान किया है कंगना ने, महाराष्ट्र का अपमान नहीं किया, संजय राउत का अपमान किया है, वो अपने ऊपर ले रहा है, शिवसेना का अपमान किया है, क्योंकि शिवसेना पहले जब तक बाला साहब ठाकरे थे कि हिंदूवादी सेना थी, आज क्या है, आज ये एक सत्ता पक्ष के लालच में इसने पाल घर के अंदर साधुओं की निर्मम हत्या करा दी, उसके अंदर कोई जांच नहीं, आज 6 महीने के बाद 2 से 4 सिपाही तुम लोग सस्पेंड करके कहते हो कि भैया हमने पाल घर का बदला ले लिया या हमने पाल घर में अपना काम कर दिया, क्या कर दिया, क्या उखाड़ लिया, 2 साधु तो मारे गए, आज अगर यही अगर दूसरे समाज के ऊपर हुआ होता तो जितना भी अवार्ड वापसी गैंग है ये कुत्तों की तरह से पूछ दबा के पूछ हिला करके भावों काटते हुए दौड़ते कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, हमारे बंदे मार दिए। आज कंगना रनौत जब उसको खुलेआम धमकी दे रही है, इतना तो कोई डॉन भी धमकी नहीं देता जितना ये संजय राउत धमकी देता है, और ये हिंदुओं के पीछे क्यों पड़ता है, ये एक कपटी नेता है जो हिंदुओं के हित की बात करके शासन में आया, एक धर्म की बात करके कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, उनके एवज के ऊपर जनता ने वोट दिया, और इस बंदे ने हिंदू धर्म, हिंदू जो भी नेता आता है अगर कोई उल्टा सीधा होता है तो उसी को एकदम कहने का मतलब है हिंदू तो ऐसे इतने बुरे लगते हैं, मैं कहता हूँ हमें शिवसेना बुरी लगती है। और दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कंगना रनौत है, चलो ठीक है, तुमने सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया, इसको भी मार दो, क्योंकि तुम उस मुकाम पे हो, तुम किसी को भी मार सकते हो, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है,
अगर तुम सच्चे हिंदू के हितैषी होते तो राजपूत की हत्या हुई उसके पक्ष में खड़े होते, उसके पक्ष में खड़े होते, कंगना रनौत के पक्ष में खड़े होते कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है। अच्छा संजय राउत इतना बौखला क्यों रहे हैं, उन्हें डर किस बात का है कि कहीं उनका नाम तो नहीं आने वाला? जब आपने देखा होगा जिस तरीके से जब से सुशांत मामले की जांच चल रही है वो लगातार इस मामले में सबसे आगे हैं। ऐसा है कि देखो ये समाज हमारा ऐसा समाज है, पढ़ा लिखा समाज है और सब जानता है कि कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। और जब काली परछाइयां किसी पर पड़ती है ना, अभी तो बोलते सुशांत सिंह राजपूत को काली परछाइयां दिखाई देती थी। मैं कहता हूँ सीबीआई भी अपना ढंग से काम नहीं कर रही है। एक सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को जो कि एक मैटर था उसको छोड़ के आज एक मामूली चीज ड्रग के पीछे पड़ गई है। मर्डर का आप टीवी पे कभी भी देखने, अब मर्डर का कोई मुद्दा नहीं आ रहा। पहले कहते ओ निशान बना हुआ गले पे, यू निशान बना हुआ है, टांग टूटी हुई है, ये हो गया वो हो गया। अरे एक बात मुझे बताओ, जब पहले तो तुम्हारे पास इतने सबूत आ रहे थे कि उसका गला घोटा है, काटा है, मारा, आज वो सारे के सारे वो मुद्दा ही भूले जा रहे हो। आज आ रहे हो मुद्दा तुम्हारा ड्रग्स के ऊपर आ रहा है। ड्रग्स में क्या है, ये सारे के सारे बच जाएंगे, चाहे रिया हो, रिया की अम्मा हो, रिया का अब्बा हो, ठीक है, रिया का भैया हो, और रिया के जितने भी चमचे और जितने भी, अब मैं क्या बोलूं, जो माँ बाप अपनी लड़की को खुलेआम एक दूसरे के लड़के घर में जा बिटी रहे कुछ भी कर, तो ऐसे ना तो साले माँ बाप समाज में रहने के लायक और ना लड़की समाज में रहने लायक। लेकिन हमारे साथ ये शिव सैनिक है मौजूद है, इनका कहना है कि बिहार का चुनाव आ रहा है इसलिए आप सुशांत सिंह को टीआरपी दे रहे हैं। ऐसा है, ये एक विपक्ष क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, उसको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। अब कोई मान लो कोई गली में, अब तुम कुत्ता बैठा हुआ है, चुपचाप निकल जाओ तो निकल जाओ। केंद्र की थी सीबीआई पर भी तो आप आक्षेप लगा रहे हैं, सीबीआई पर तो कम से कम आक्षेप मत लगाओ, शिवसेना पे लगाओ ठीक है, हाँ। बम्बई पुलिस पे लगाओ ठीक है, सीबीआई तो केंद्र की है, सीबीआई यूपी गवर्नमेंट के अधीन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है कि जो ड्रग्स का जांच कर रही है, सीबीआई हो शक मत करो, सीबीआई हो कोई भी हो, अगर अपना काम सही नहीं करेगा तो उससे जवाब पब्लिक मांगेगी, क्योंकि सीबीआई अपने घर की नहीं है, पब्लिक तनख्वाह देती है उनको, पब्लिक के पैसे से उनका घर का चूल्हा जलता है। हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे पब्लिक हो या कोई भी हो, पब्लिक हो कोई भी हो, अगर उनका काम सही नहीं है, तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारा बच्चा घर में अगर गलत काम करके आएगा, तुमसे शाम को पूछोगे बेटा गलत काम करके क्यों आया, नहीं पूछोगे। विश्वसनीय सेना मानी गई है सीबीआई पर, लोग आक्षेप कम लगाते हैं, जैसे सभी लोगों ने सीबीआई का मांग किया, सीबीआई का राजपूत सुशांत राजपूत के परिवार वालों ने मांग किया, रिया ने स्वयं मांग किया, चाहे वो दागी क्यों ना हो, हम भी मानते हैं कि वो दागी होगी तभी उसने मांग किया, लेकिन कहने का मतलब उसका जांच सच्चाई से होना चाहिए। अब जो है कैसी जांच, किसकी जांच, एक मर्डर की जांच होकर ड्रग्स के ऊपर अटक गई और वो भी 3 साल पीछे की, वो भी 3 साल पीछे की, क्या होगा इस केस का, सबके आंखों के आगे आ रहा है। और एक बात बताऊं, संजय राउत आदित्य ठाकरे यो भी हैं, ये इनको कम मत समझना, अपनी अपनी गद्दी बचाने के लिए बक्से के बक्से सरका देंगे। और तुम्हारे को तो एक गड्डी अगर हमारे को मिल जाए, हम तो बैठो कहोगे थाले उसे थप्पड़ मार दो तो दुनिया थप्पड़ मार देगी जा करके, उनके तो बक्से चलेंगे। सीबीआई है सीबीआई की तरह अगर काम करती तो ये 3 साल पहले ड्रग्स के मुद्दे वो तुम्हारे टीवी के ऊपर स्क्रीन पे नहीं आते। अरे 3 साल पहले किसने क्या किया, किसी को क्या पता, तो सीबीआई का मांग ही नहीं करना था, मुंबई की पुलिस के ऊपर छोड़ देना था, जब आप सीबीआई पर कोई भरोसा ही नहीं किसी को रहा, मुंबई की पुलिस का भरोसा ही हट गया। एक मिनट, मुंबई पुलिस पे कैसे छोड़ देते, पालघर का कांड भूल गए, एक मिनट सुनो, पालघर का कांड भूल गए और राजपूत जब मर्डर के जब बात क्यों आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ एटा में भी हुआ है साधुओं का हत्या, उसको भी बात करनी चाहिए, पालगरी थोड़ी गली नहीं, हर जगह पूरे देश की बात लेके चलो, अभी एटा में हुआ है 2 साधुओं की 3 साधुओं की हत्या हुई है, उसमें योगी बहुत बोल रहे थे कि हम अपनी सेना लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, बम्बई में हम पहुंचेंगे 12 तारीख को, लेकिन जब वहाँ साधुओं की हत्या हो गई तो योगी जी चुप हो गए,
तब कहाँ चला गया उस, ये नहीं, हर जगह का बात लेके चलना चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े होने के नाते अगर हिंदुओं या साधु महात्माओं या हमारे देवी देवताओं पर कहीं भी कोई अत्याचार हो, किसी की देश के किसी कोने में हो, तो हम सभी लोगों को एक साथ होकर की बात करना खूब करा रही है। जो भगवान शंकर को जानते हो, शिव को जानते हो है, ये सारे नेता बनकर के ठीक है एसी रूमों में रह रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं, शंकर की तरह तहमत बांध के घूम रहे, तब तो मैं नेता बोलूं और ऊपर से गले में डाल लो एक सांप, एक डाल लो सांप, तब तो बोलेंगे शिवसेना है ये। अरे काय की शिवसेना, गवर्नमेंट है काय की शिवसेना। 4 बजे यही चीज, 4 बजे आप जो इतनी बातें कर रहे हो, ये नहीं नहीं आपने CBI पुलिस ये वो कर दी, सारी बात आपने बिल्कुल सही करी। अगर यही गवर्नमेंट सही चले तो 15-15 साल कोर्टों के अंदर केस नहीं पड़े रहे, 10-10 साल पड़े नहीं रहे। ये जो देश है ना, ये देश बिका पड़ा सिर्फ नोटों के पीछे। मुझे भी पैसे की जरूरत है, आपको भी पैसे की जरूरत है, और जब तक पैसे की जरूरत है तो ये देश ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हमारे देश के अंदर कड़वा सच है, इस सत्ता पाने से पहले रक्षक भिक्षक और शिक्षक ही लूट के खा रहे हैं और यही लूट के खाते रहेंगे। हमारे देश के अंदर नेता कुर्सी पाने से पहले कुछ और होते हैं, कुर्सी पहने से पहले कुछ और होते हैं। एक भिखारी जिसको घर में खाने को रोटी नहीं है, सड़क पे बैठा है, भाई साहब उसकी तरफ यूं मुंह फेर के निकल जाएगा, और जब वोट का टाइम आएगा पैरों का हाथ, बाबूजी वोट मुझे देना, बाबूजी वोट मुझे देना। एक बूढ़ी अम्मा जिसके घर में खाने को नहीं है, कभी 2 रोटी के लिए नहीं पूछा, 1 रोटी के लिए पूछा, और जाके पैरों में लेट गए, और जी पिछवाड़ा ठोकलो मारा और वोट हमें देना। आज उनकी राजनीति गंदी इतनी हो गई है, अगर मैं बताऊं, अगर सच्चाई को सच्चाई अगर बोले तो उनका क्या घिसता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना, चाहे शिवसेना हो, चाहे तुम्हारा किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का कोई भी नेता हो, भैया सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। जो सच्चाई है ठीक है उसको दुनिया के सामने लाओ। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है CBI जांच कर रही है, मगर पुलिस ने जिस तरह से, बम्बई पुलिस ने जिस तरह से जांच की है, वो संदेह के घेरे में है।